तो दोस्तों नीचे अभी दारचा में जैसे थोड़ा सा ऊपर आए हैं तो चेकिंग जो है वहाँ पे चल रहा था। वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर थे वो चेक कर रहे थे चीजों को, तो वहाँ पे 4 बजे के अलाव बाद जो है अलाव नहीं है ऊपर आना। बारलाचा में जो है आपको ये हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, तो उसके वजह से जो गाड़ी स्किट कर रही है इस वजह से जो है गाड़ी को भेजा नहीं जा रहा है। तो फिलहाल हम लोग कितना मतलब आधा घंटा उनको रिक्वेस्ट किए कि सर जाने दीजिए जाने दीजिए जाने दीजिए, तब जो है उन्होंने जाने दिया। देखते हैं आगे का क्या सीन है, बालाचला में जो है वो क्या हो रहा है, जैसा भी होगा आपको अपडेट करेंगे। और कभी भी जाएं तो थोड़ा सा अगर कोई रोकता है तो उसके बारे में जानकारी लें कि आगे जो है क्या सीन है, रिक्वेस्ट करें उनसे। अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हैं जाने के लिए तो आप रिक्वेस्ट करके जो है आगे जाएं। हम लोग इसलिए बोले कि हमारे साथ थार जा रहा है, 4x4 जा रहा है, हमने जो है रस्सी वस्सी सब लिया है, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर वहाँ पे स्नोफॉल ज्यादा हो रहा था तो फिर वापस आएंगे, ये भी बात मैं जो है आपको बता दे रहा हूँ। अगर ज्यादा दिक्कत क्रिएट होगा तो, अगर निकल जाएगी तो कोई बात ही नहीं है, तब तो बहुत बढ़िया है। तो फिलहाल दारचा से जो है अभी हम लोग बारलाचला जा रहे हैं और जैसा भी है सरचू उसके बाद है, तो जहां तक भी कैप्चर हो पाएगा वहां तक कैप्चर करेंगे। 5:43 जो है फिलहाल हो रहा है और ये फॉर्चूनर वाला यही था, ये भी हम लोगों के साथ ही था, तो अभी जोश में एकदम निकाल रहा है। तो खैर आप सब दोस्तों इस वीडियो में बने रहो, एक एक पल का जो है अपडेट मैं आपको जो है देता रहूंगा दोस्तों। तो रोड देख सकते हैं दोस्तों, रोड देखिए कैसा जो है रोड है, ऊपर पहाड़ देखिए कैसा है, लैंडस्लाइड जो है कभी भी हो सकता है, पूरा रोड जो है अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रहा है। ये देखिए वाटर क्रॉसिंग भी जो है यहाँ पे मिल रहा है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, लेकिन इसको नीचे 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 जो है पास किया गया है और बहुत ही सावधानी के साथ जो है वो गाड़ी चलानी पड़ रही है। फाइनली गाइस अभी हम लोग देखिए रोड जो है वो कैसा है और ये देखिए सामने जस्ट वाटर क्रॉसिंग जो है वो हो रहा है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि वाटर क्रॉसिंग जो है वो होगा, आप सामने से पत्थर वत्थर रखा है तो सिर्फ उधर से एक गाड़ी आएगी और इधर से एक गाड़ी जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग सरचू से जो है 50 किलोमीटर की दूरी पे जो है फिलहाल अभी हम लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है डेंजरस रोड जो है वो होता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी अगर आगे देखते हैं कैसा रोड जो है हमें मिलता है, जैसा भी रोड मिलेगा तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि कहाँ कहाँ जो है रोड खराब है, कहाँ कहाँ जो है आपको दिक्कतें जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आप सब दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो देखें, अगर आप लद्दाख आना चाहते हैं वाया कार तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी किफ़ायती रहेगी। और जिसके पास XUV 300 है उनको भी पता चल जाएगा कि XUV 300 जो है लद्दाख जा पाएगी या क्या होगा। तो आप सब दोस्तों बहुत ही समझदारी से जो है एक एक सेकेंड वीडियो देखें बिना स्किप किए। फास्ट होकर के भगा देना था। 21 किलोमीटर है सरचू, 53 किलोमीटर, पैंग जो है आपका 129 और ले 302 किलोमीटर। अब का जो चढ़ाई है बहुत ही डेंजरस चढ़ाई होगी और ऊपर ही जो बारलाचला में जो है आपको स्नोफॉल जो है नीचे, जैसे कि दारचा में पता चला है कि वहाँ पे स्नोफॉल जो है वो हो रहा है। अब देखने का बात है कि क्या होता है, अगर हो पाएगा जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। ये देखिए सामने सामने का मौसम एक बार आप देख लीजिए, ऐसा मौसम है तो पक्का 110% जो है स्नोफॉल हो रहा होगा जैसा कि उन्होंने अपडेट किया है। अब देखते हैं चलते हैं क्या सीन होता है, जैसा भी होगा आपको बताएंगे। आपको ऐसे ही रुक रुक के गाड़ी को क्रॉस करनी पड़ेगी क्योंकि एकदम बिल्कुल सिंगल से भी कम रोड है। तो अरे भुला गए तो ठीक। दोस्तों बारलाचला जो है क्रॉस कर चुके हैं, काफी जो है खतरनाक बारलाचला का जो है क्रॉसिंग था, वाटर क्रॉसिंग भी था और वहाँ का जो है पहाड़ भी जो है स्नो भी जो है काफ़ी तेज था। अभी जो है बहुत तेज हवा जो है वो चल रही है, सांस जो है मुझे नहीं आ रही है, मतलब ठंडी जो है एकदम अपने चरम सीमा पे है दोस्तों। और फिलहाल देख सकते हैं
ये है पूरा पहाड़ आपका लेह लद्दाख का, और बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा है क्योंकि यहाँ पे एक भी पेड़ जो है आपको दोस्तों नहीं मिलेगा। रुकने के लिए दोस्तों यही व्यवस्था जो है यहाँ पे रहता है, यहाँ पे खाने के साथ साथ आपको बेड जो है वो भी मिल जाता है, हीटर वीटर कंबल वंबल तो मिल जाता है, ढाबा भी जो है मिल जाता है जहाँ पे आप आराम से जो है खा के आग तापते हुए जो रुक सकते हैं। यहाँ पे आपको हीटर वीटर तो नहीं मिलेगा लेकिन आग तापने का जो पूरा व्यवस्था मिलेगा। ये देखिए मैं दिखाऊंगा आपको जूमिंग करके, तो वो देखिए वो सोने का व्यवस्था जो है वही है। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी देखते हैं हम लोग को सरचू किसी भी हालत में आज पहुंचना है। और ये भारत का झंडा तो भाई सैल्यूट है। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग सरचू जो है वो पहुंचने वाले हैं, और ये देख सकते हैं तमाम भैया जो है थोड़ा पीछे रह गए हैं, तो उनको जो है उनका जो है हम लोग वेट कर रहे हैं, वो आ जाए उसके बाद जो है हम लोग निकलेंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं पहाड़ जो है वो कैसा है, पूरे तरीके से जो है ब्राउन कलर का जो है ये पहाड़ है, और जस्ट उसके बगल में खाई भी जो है। तो अभी हम लोग जस्ट सरचू से कुछ दूर पहले हैं, अभी लद्दाख जो है हम लोग एंटर नहीं किए हैं, अभी फिलहाल हम लोग हिमाचल प्रदेश में ही जो अभी हैं विचर रहे हैं। तो फटाफट सरचू पहुँचते हैं, उसके बाद वहाँ पर कोई रूम लेते हैं क्योंकि 7:18 जो हो चुका है। ज़्यादा देर इस पहाड़ पर जो है ड्राइव हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि कभी भी जो है, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक जो है आपको ना टेंट मिलता है, ना खाने को मिलता है, ना कुछ मिलता है। तो इस वजह से जो है हर चीज़ जो है आपको अगर आना हो तो हर चीज़ जो है एकदम टाइम टेबल के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा कि इतने बजे इतना कवर करना है, इतने बजे इतना कवर करना है दोस्तों। और गाड़ी का भी खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको, अगर आपका गाड़ी का जो है टेम्परेचर, अगर इस माहौल का टेम्परेचर -15-10 ऐसे जाता है तो उसके लिए अलग प्रिकॉशन जो है आप लोगों को करना पड़ेगा। और वो प्रिकॉशन है कि जैसे कि फ्लूइड जो है वो चेंज करें, गाड़ी में किसी तरीके का पानी ना रहे क्योंकि वो बर्फ जम जाता है, वॉशर जो है वो पूरे तरीके से उसको साफ़ कर दें, कूलेंट जो है हमेशा -15 degrees -20 degrees वाला रखें, नहीं तो वो जम जाएगा। तो ये सब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान जो है वो देना पड़ेगा। हम लोग तो खैर अभी देखते हैं कितना जो है डिग्री जाता है, उसके बाद हम लोग भी डिसाइड करेंगे कि हम लोग को जो है क्या करना है। दोस्तों फाइनली हम लोग जो है हॉलीडे मेकर्स कैंप सरचू पे जो है आ चुके हैं, और सरचू से लगभग लेह जो है 250 किलोमीटर है। तो यहाँ से चलते हैं हम अपने कैंप में, और जो कैंप का टूर होगा वो मैं आज नहीं दूंगा, वो मैं दूंगा कल। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। सरचू में है फिलहाल अभी हम लोग, और काफ़ी जो तेज़ है हवा चल रहा है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रा सा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने भाई को, क्योंकि सब्सक्राइब से आपके भाई को जो मोटिवेशन मिलता है। तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, हर महादेव।